हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है आइटम एंड फ्रेज। अब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अभी कितने आंसर सही होते हैं जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक करें। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, एपियरी किसे कहा जाता है? ये एक छोटे से वर्ड रहेंगे, उसके अर्थ बड़े लंबे होंगे। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? जहाँ पे बहुत सारी क्या रखी जाती है, तो मधुमक्खियाँ रखी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? एपियरी कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम नोस्टोलेजिया, जो आप हमेशा सुनते हैं नोस्टोलेजिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। मतलब क्या है कि कॉलेज वगैरह नोस्टोलॉजिया होता है क्योंकि वो आपके पास्ट से जुड़ा होता है। ओके, पिडेंटिक मीन्स क्या होता है बताइए? ए स्टाइल मीन टू डिस्प्ले द वन नॉलेज। चलिए, इन इंडिलिबल मीन्स क्या होता है? तो ए मार्क कैन नॉट बी इरेज्ड, मतलब होता है कि ऐसा मार्क जैसे चोट का निशान है, वो जीवन भर अगर आपसे दूर नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे? इंडिलिबल कहेंगे। पैट्रिसाइड मीन्स क्या होता है? फ्रेटिसाइड ब्रदर की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या। तो पैट्रिसाइड मतलब क्या होता है बताइए? तो आपको पिता बहन ने बोला तो पिता यानी कि पैट्रिसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फादर। यूटोपिया मीन्स क्या होगा बताइए? तो एन इमेजिन्ड प्लेस वेयर एवरीथिंग परफेक्ट। मतलब क्या कि आप अपने इमेजिन में सोचते हो क्या सब कुछ मुझे परफेक्ट मिले, उसे हम क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं। एबेटर मीन्स क्या होता है? मैंने आपको कितनी बार याद करवाया है एबेटर? वेरी गुड, तो कसाई खाना होता है, यानी कि ए प्लेस एनिमल्स ऑफ द स्लॉटर, देखिए कसाई लोग ही तो मारता है ना। डॉर्मेट्री मीन्स क्या होता है? चलिए, डॉर्मेट्री स्लीपिंग रूम्स इन इंस्टीट्यूशंस, जो अपने रूम्स और इंस्टीट्यूशंस में डॉर्मेट्री, अरे जो आपके नीचे पैर के नीचे जो रखा जाता है, उससे भी आप रिमोट डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिजर्वियर मीन्स क्या होता है? ए प्लेस वेयर वाटर इज स्टोरेड, मतलब जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे आप क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सीथ मीन्स क्या होता है? तो एक कवर ऑफ सॉर्ट, जो तलवार की जो ढाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सीथ कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वार्डरोब मीन्स क्या होता है? तो ए प्लेस फॉर क्लॉथ, एक ऐसी जगह जहां पे क्लॉथ रखा हो। नेक्स्ट चलते हैं कैच मीन्स क्या होता है? तो एक ऐसा जगह जहां पे एम्यूनेशन क्या हो, छुपा हुआ होता है। कैनल मीन्स क्या होता है बताइए? तो ऐसा सेल्टर ऑफ डॉग, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि जिसमें डॉग रहता है या कुत्ते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैनल कहेंगे। सिमेट्री मीन्स क्या होता है? तो एक ऐसा प्लेस जो एनिमल से संबंधित हो, उसे हम सिमेट्री यानी कि कब्रगाह भी आप बोल सकते हो वैसे। स्टेबल मीन्स क्या होता है? स्टेबल, वेरी गुड। ए हाउस शेल्टर ऑफ द हॉर्स, जहाँ पे घोड़े का रहने का स्थान होता है, उसे हम स्टेबल कहते हैं। पोटेबल मीन्स क्या होता है? तो फिट टू ड्रिंक, जो पीने योग्य हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं शोवेन्यू मीन्स क्या होता है 37 का बताइए? ए थिंग केप्ट ऑफ द रिमाइंडर एंड इवेंट, देखते हो कि आपका जैसे कि रिमाइंडर, किसी का बर्थडे है तो आप याद करने के लिए उसे रखते हो, तो उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्रूशेड मीन्स क्या होता है? तो ए रिलीजियस वार, क्या होता है? तो एक धार्मिक युद्ध जो होता है उसे क्रूशेड कहते हैं। सोलिलोक्वी मीन्स क्या होता है? वेरी गुड, स्पीच योर मेक टू योर सेल्फ, मतलब क्या है कि अपने लिए कोई भी स्पीच तैयार करना। ब्लास्फेमी मीन्स क्या होता है?
तो एन एक्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द रिलीजन, ऐसा करना कि आप क्या कर सकते हो रिलीजन के विरुद्ध, एक्ट करना कि रिलीजन के विरुद्ध बोल रहे हो, तो सेम क्या कहेंगे, तो ब्लास्फेमी कहेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये आइडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, साइनो इंटो हर कुछ क्लियर हो चुका है। तो इंग्लिश के अब कोई भी पार्ट्स नहीं बचे हैं, तो बिल्कुल बी रेडी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।